वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। झांसे में ना आएंगे और कागज नहीं दिखाएंगे। हमारे घर में खाना बना रहे हैं, झाड़ू बर्तन करने के लिए नौकर है। हम यहाँ 500 रुपये तनख्वाह लेने बैठेंगे। जो मीडिया वाले हैं वो सही नहीं बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक गलत बात है ना। आगे चल के हम शरणार्थी की तरह जिएंगे, हम हिंदुस्तानी होकर भी। कि सरकार ने आज तक वो नोटी नहीं छापी जो साइन बाकी महिलाओं को खरीद सके। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। CAA और NRC को लेकर जो तमाम तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें शाहीन बाग की दादियों ने मोर्चा संभाल रखा है। और ये जो हमारे साथ दादी है मेहरू निशा, ये अनशन पर है, तो दादी से हम बात कर लेते हैं। दादी कितने दिनों से अनशन पर हैं आप? आज 32 दिन हो गए। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई आया आपका हाल चाल जानने के लिए? अभी नहीं आया। अभी कोई नहीं आया? अच्छा, ये जो पूरा जो आप CAA और NRC को लेकर विरोध कर रही है, सरकार ने तो ये कह दिया है कि CAA को लेकर वो बैकफुट पर नहीं आने वाली है, तो ऐसे में आपका ये अनशन कब तक चलेगा? CAA तो उन्होंने लागू कर दिया है, हम चाहते हैं कि वो वापस ले ले, क्योंकि इसमें या तो माँ को मिल रहा है नागरिकता, बेटे को नहीं मिल रहा है, या फादर को मिल रहा है बेटे को नहीं मिल रहा है। तो ये तो एक गलत बात है ना। आगे चल के हम शरणार्थी की तरह जिएंगे, हम हिंदुस्तानी होकर भी। शाहीन बाग के आंदोलनों पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत बात है, हम लोग भी यही के हैं। ठीक है, ये जो कर रहे हैं मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही गलत बात है। हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। मैम, CAA को लेकर सरकार ने साफ कर दिया कि वो अपने रुख पे कायम है, पीछे नहीं हटेगी, तो फिर क्या आप लोग यहाँ कब तक डटे रहेंगे? नहीं, सरकार को तो हटना पड़ेगा ना, सरकार को तो हटना पड़ेगा, पब्लिक की सुनना पड़ेगा ना। शाहीन बाग का ये जो आंदोलन है वो दो गुटों में बंट गया है, तो इन सब खबरों पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दो गुटों में बटा उठा नहीं है, ये सब गलत अफवाह। अब 500 रुपया सरकार, हम लोग 500 रुपया बैठने वाले लग रहे हैं, 500 रुपया हम लोग बैठने वाले लग रहे हैं, हम लोग अपने घर में काम करने वाले नौकर लगाए, यहाँ 500 रुपया लेने के बैठेंगे। कुछ नेताओं ने बयान भी दिए हैं कि शाहीन बाग जो है वो मिनी पाकिस्तान है। कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी यहाँ मारपीट की गई, उन सब पर आप क्या कहेंगे? मैं उन सभी पर यही बोलना चाहती हूँ कि मीडिया कर्मी जो आते हैं यहाँ, तो मतलब कि जो देख रहे हैं वो बाहर जाके वो नहीं बोलते, वो गलत बोलते हैं बाहर निकल कर। मुझे यकीन है जो है तुम्हारी आपस में ले, हम जो है चले जाएंगे यहाँ से, सारी बातें खत्म। हम अपील यही करते हैं बराए मेहरबानी हमारे प्राइम मिनिस्टर, इसको आपस ले ले, हम यहाँ से उठ जाएंगे। हम अपना घर बार छोड़ करके, बच्चों छोड़ करके कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये महिलाएं पे दर्द नहीं होता हमारे प्राइम मिनिस्टर को? उसको देश से चुन करके हम लाए हैं, उसको कुर्सी पर हमने बैठा है, यही महिला माँ बहनों ने उसको कुर्सी पे चुन करके बैठा है कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है देश के। लेकिन वो आज हमका अपमान कर रहा है, वो आज हमारा अपमान कर रहा है। उसको दिल्ली में सम्मान कैसी, उसको दिल्ली में सम्मान कैसा, समझ रहे हैं? और झांसे में ना आएंगे और कागज नहीं दिखाएंगे। एक बात सोच लो, पूरा सुरक्षा को लेकर एक अफरा तफरी से मच गई थी, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो कितना भी गोली कांड करे, आंसू गैस छोड़े, डंडा छोड़े, हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, क्योंकि वो ये हथकंडा अपनाएंगे ही अपनाएंगे। उनका इलेक्शन भी है, उनको अपनी सीट भी बनानी है। और ये शाहीन बाग को तो ऐसे भी वो मिनी पाकिस्तान बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं, तो ना हमें हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं देना है, और हम एक साथ है, हमारे हिंदू सिख ईसाई सब एक साथ है, तो हमें डर नहीं है, हम सब एक हो गए। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि CAA और NRC को लेकर कहा जा रहा है कि किसी की भी नागरिकता खतरे में नहीं आएगी, और ये सब लोगों को बरगलाने के काम है, इस पर आप क्या कहेंगे? पूरे देश के लोग बरगला रहे हैं क्या? सारे लोग जितने हैं सब बरगला ही रहे, सब बेवकूफी है। सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी और जो उनके कुछ नेता है वही समझदार है, वही पढ़े लिखे। हम लोग संविधान नहीं पढ़े, आधा अधूरा संविधान समझाते हैं मोदी जी।